हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हमने आपको तिरुपति के स्क्वायर बताए थे, ठीक है। आज हम द्विपदि के घन के बारे में बताएंगे कि द्विपदि के घन का हम फॉर्मूला क्या करते हैं, कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बारे में आज जानकारी करेंगे। उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, घन तो आप जानते हैं, घन का मतलब होता है किसी पर तीन पावर आना। क्या होता है? तीन घातें आना, ठीक है। तो तीन घात के लिए हम क्या करेंगे आपका, तो देखिए जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे हमने जनरल लिया है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए बी और कोष्ठक में ए प्लस बी। वैसे हम सॉल्व करना चाहें, इसको प्रूव करना चाहें, तो देखिए प्रूव करने का तरीका ये होता है बेटा, ये तीन पावर है इसे हम तीन बार लिख लें, एक ही चीज है तो हमने तीन बार ये लिख लिया, ठीक। अब आपका ए प्लस बी, तो देखिए हमने क्या किया, इसकी एक पावर कितनी हो जाएगी आपकी, दो। जितना प्रूफ करना चाहते हैं तो और याद करना चाहें जितना याद कर लें, और फॉर्मूला सीधा सीधा क्वेश्चन हमें पुट कर दे उसकी वैल्यू, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोगों को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपका होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक। इतना फॉर्मूला, अब इसका हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक, प्लस बी। दूसरा आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, ठीक। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए ए गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, तो एक पावर इसकी, एक इसकी कितनी हो जाएंगी, दो, तो ए की पावर टू स्क्वायर बी। इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे बी ए स्क्वायर, फिर बी का बी में गुणा करेंगे, और यहाँ पर बी का बी में गुणा करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा टू ए बी स्क्वायर। तो गुणा में घाते क्या होती है बेटा, जुड़ती है आपकी, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यू ए बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यू और टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू वाले हम क्या करें, एक तरफ लिख दें, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो ए बी स्क्वायर और टू ए बी स्क्वायर कितने हो गए आपके, थ्री ए बी स्क्वायर। इसी प्रकार टू ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर कितने हो गए आपके, थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, अब आप चाहते हैं थ्री ए बी क्या ले लेंगे, कॉमन, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर बी प्लस ए, चल बी प्लस ए लिख लो, और आपकी इच्छा है एक इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्योंकि प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला ने आपको ड्राइव करा दिया, सॉल्व करा दिया। अब दूसरा आपका फॉर्मूला होता है प्लस का होता है, अब एक माइनस का और होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो मैं आपको यहाँ लिखकर यहाँ लिखे दे रहा हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूले के बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा, उसी में मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए आपका फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी का होल, दोनों प्लस आ रहे हैं, तो ए की जगह आपका 2x है और बी की जगह y है, तो आप क्या लिखना होगा फॉर्मूला, ठीक बेटा, सही बात आपकी आ गई होगी, ठीक है। तो ए कितना है आपका 2x, तो 2x की पावर 3 बी y की पावर 3 इंटू 3, 2x b की वैल्यू y और ए कितना है आपका 2x प्लस बाई, तो देखो दो का कितना होता है आठ, तो एट एक्स क्यू प्लस बाई क्यू
मल्टीप्लाई तीन दूनी छह एक्स वाई और टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और सॉल्व करना चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर ले आप, करना चाहे तो आपका आंसर इतना भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन और आपका लिखा हुआ है, उसे भी आप देख लें। अपॉन में एच स्क्वायर की पावर थ्री, फॉर्मूला आपका यही है, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू थ्री ए बी और ए प्लस बी, ए की जगह आपका एक्स स्क्वायर, बी की जगह वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर टू इंटू थ्री, बी की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर थ्री, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा तो कितनी पावर हो जाएगी, छह। ऐसे यहाँ वन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी पावर हो जाएगी तीन दूनी छह। और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, कट गया, कितना रह गया थ्री, और पोस्टर में आपका रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चाहे तो आप इसके अंदर एलसीएम ले लें, वो आपकी इच्छा है, आप कितना और सॉल्व करना चाहते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन है आपकी 9.6 के अंदर, सभी क्वेश्चन आपके घन वाले हैं, दोनों क्वेश्चन को आप करिए अपनी कॉपी पर, फॉर्मूले बता दिए, क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और अच्छी से प्रैक्टिस करें, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको अच्छे क्वेश्चन आने लगेंगे बेटा। थैंक यू।